राम जी कैसे हो सर? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सर, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे में जो राम राम लिखते हुए जब राम राम लिखते बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से एक नेगेटिव फील होता है। इसका ही मेरे भाई लोग पूछ रहे थे, एक भाई हो जो डेली मतलब नीचे कमेंट करते थे कि भैया जो स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट है उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो आज की जो वीडियो फाइनली इसी टॉपिक पर रहने वाली कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लीक हो चुकी हैं, गाड़ी के लुक से लेके गाड़ी के इंटीरियर से लेके गाड़ी के डिज़ाइन से लेके। एंड गाइस एक चीज़ और साइड में, अगर आपको कार इंडिया न्यूज़ दिख रहा होगा तो कार इंडिया न्यूज़ जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा नीचे जो कमेंट है वो मेरी खुद की वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सारी न्यूज़ आपको मतलब वीडियोज़ देखिए। मैं हर एक टॉपिक पर बना नहीं सकता मैं किसी के नीचे, पर अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड जो है आपको जानकारी चाहिए तो कार इंडिया news.com पे जाके आप सारी की सारी पढ़ सकते हो। इसको सेव कर लो वेबसाइट को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जहाँ पे भी आपको मन करे। तो हाँ, इस स्कॉर्पियन के बारे में भी अगर आपको पढ़ने में सारी जानकारी चाहिए तो हमने इसका कार इंडिया news.com पे जो है ऑलरेडी एक आर्टिकल डाल दिया है। एनीवेज गाइस, आज की बात करें तो देखिए बहुत दिन हो गए थे स्कॉर्पियन को कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस लाए हुए, तो फाइनली कंपनी जो है महिंद्रा इस चीज़ में तो ठीक है कि वो लोग मार्केट को देखते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि किस में कहाँ पे कब अपडेट करना चाहिए, तो फाइनली वो लोग ये एक अपडेट ले आए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए बनाए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने महिंद्रा बुलेरो या फिर बात करें यहाँ पे महिंद्रा थार फाइव डोर को भी इन जो स्टॉकयार्ड है इसमें खड़ा देखा था। खैर आज हमारी जो वीडियो है उनका सबसे पहले क्रेडिट जाता है प्रीतम भाई को। तो यहाँ पे जो है अगर आपको दिख रही होगी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 खड़ी हुई है, उसके अगल बगल में हमारी थार फाइव डोर भी खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बट हमारा जो आज मेन मुद्दा है या मेन मकसद हम लोग बोले वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्लाइटली कैमोफ्लॉज्ड गाड़ी दिख रही होगी। देखिए साइड की बात करूं तो यहां पे कुछ खास चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं, बट अगर आप लोग फ्रंट में अलॉय व्हील पे गौर कर रहे होंगे तो न्यू अलॉय व्हील के साथ जो है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 का एक नया वेरिएंट आने वाला है। अभी अलॉय व्हील जो है काफी डिफरेंट है जो हमें अभी एग्जिस्टिंग अलॉय व्हील्स मिलते हैं उनसे, यहां से आपको दिख भी रहा होगा। तो ये चीज तो कंफर्म है कि महिंद्रा ने जो है अपने अलॉयज अपग्रेड करे हैं फॉर द स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट, तो नहीं बोलेंगे थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो है इसमें वो आ रहे हैं, बोल भी सकते हो आप लोग क्योंकि मैं अभी और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एंड मेन मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर बाहर से देखें तो गाड़ी जो है अभी आउटडेट नहीं हुई है एंड इस गाड़ी को इतने ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के मार्केट में भी ये गाड़ी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो इसी सेगमेंट में आती हैं फिर इससे ऊपर सेगमेंट में भी आती है उनके साथ लड़धड़ ले लेती है अच्छे से। तो यहाँ पे बाहर के चेंजेस नहीं है, बट हाँ अलॉय व्हील्स अपग्रेड करके एक चीज़ तो ज़रूर आई है कि डिज़ाइन में जो है आपको चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको बताऊँगी कि ये वाला जो वर्जन है ये जैसे आप लोगों ने XUV700 में सेलेक्ट वर्जन देखा था उसी टाइप से कुछ ये वाला वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक डिफरेंट ही जो गाड़ी है कंपनी लॉन्च कर रही है। मतलब महिंद्रा के जो भी जितने भी स्कॉर्पियन के मॉडल्स आते हैं उसमें नहीं अटैच करा जाएगा इसको, इसके लिए एक डिफरेंट मॉडल निकाला जाएगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर वाली हमारे सबसे ऊपर वाला Z8 वेरिएंट था उससे ऊपर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीच में कंपनी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे क्योंकि इसमें एक आपको अलॉय व्हील्स नए मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे 3-4 फीचर्स और हैं इस गाड़ी में जो आज रिवील हुए हैं। तो ये सबसे पहले आपको बताओ कि आपको ये वाले अलॉय व्हील्स अच्छे लगे या जो अपने पुराने वाले महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आते थे वो वाले अच्छे लगे। बाकी बात करी जाए बाहर से, आपको अलॉय व्हील्स के अलावा कोई भी चेंजेस यहाँ से देखने को नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो अलॉय व्हील्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट जो है आप लोग मतलब ये कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि सस्पेंशन वगैरह जो है वो भी ट्वीक्ड है। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड बिग अपडेट कि क्या रहने वाला है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी लेके चलते हैं। तो अभी तक जो हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन थी उसमें आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती थी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेंटिलेशन वाली सीट्स या फिर वेंटिलेटेड सीट्स जो है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 2024 में आ चुकी हैं। अब देखिए दूसरे कॉम्पिटिटर्स जितने भी थे वो लोग वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे थे, चाहे सफारी ले या फिर जितने भी थे, तो महिंद्रा को कहीं ना कहीं यहां पे लगा कि यार हमारा स्कॉर्पियन अच्छा ऑलरेडी एक सेलिंग मॉडल है बट अगर मार्केट के साथ नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं जो सेल्स में है थोड़ी बहुत मात खा सकते हो, तो यहां पे वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं। आपको वही सेम आपको कलर्स मिलते हैं जो अभी वाले मॉडल में मिलते हैं, तो सीट के कलर चेंज नहीं हुए बट हाँ वेंटिलेशन के साथ जो है आप लोगों को यहां पर अब की बार हमारी नई वाली सीट्स हैं वो देखने को मिलने वाली है। देखा इस मेरे को आप एक चीज बताइए कि इंडिया के हिसाब से वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो एक जरूरी फीचर है, यानी मेरे से पूछा जाए तो 100% जरूरी है। उसके पीछे मैं बताता हूँ, जब गर्मी में अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं ना तो उस टाइम आपकी जो बैक है, आपकी जो नीचे वाली पैंट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के इशू आ जाते हैं क्योंकि इंडिया में गर्मी, चाहे नो मैटर आपकी गाड़ी में एसी चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, बट वेंटिलेटेड सीट्स में पर्सनली मैंने यूज़ भी कर रखी हैं एंड बहुत ही अमेजिंग फीचर होता है। देखिए अभी तक जो है हमारी सफारी में ही सिर्फ आप लोगों को फ्रंट में एंड रियर में जो है वेंटिलेटेड सीट्स मिलती थी, बट यहाँ पे अब की बार हमारी स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 जो है वो भी इस मैदान में आ चुकी है जिसमें आपको फ्रंट एंड जो रियर है उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी।
तो ये चीज़ ठीक लगी मेरे को यार कि कंपनी जो है ओवर दी टाइम अपने आप को अपग्रेड करने लग रही है। इसके अलावा अगर बात करें कॉस्मेटिक चेंजेस की तो कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं आएंगे, बस हाँ ये है कि जो बटन्स होते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कॉस्मेटिक चेंज जो है नहीं देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सेकंड चेंज की तरफ। यहाँ पे तो आपको मिल जाते हैं ये मिरर्स। अब ये मिरर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक डिमिंग बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जब पीछे से कोई रोशनी पड़ती है ना इन मिरर्स पे, तो उसके बाद ये जो है अपने आप बंद हो जाते हैं। बंद क्या बोलूँगा मैं, मतलब थोड़े से ग्रीन से हो जाते हैं, जिसकी वजह से रात को जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो उस टाइम आपकी आंख पे जो है स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक डिमिंग जो है IRVMS में दिए जाएंगे। ये अच्छा फीचर है। ये भी अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे फीचर्स अपडेट करें, बट फिर भी अगर हम देखे जाएँ प्रैक्टिकलिटी पर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आपको रात को चलाने का शौक है गाड़ी या फिर ऐसी सारी चीज़ों के लिए। तो ये भी था एक सेकंड बिग अपडेट यहाँ पे हमारी जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट है उसका। अभी तक जो है कंपनी नहीं दे रही थी ये सारी चीज़ें। मेरा मानना है कि यार आप 28-30 लाख रुपए की गाड़ी देते हो तो ये सारी चीज़ें तो जो हैं देनी चाहिए थी, बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त आए, कंपनी को समझ आ गया। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि कॉस्ट में क्या बढ़ा जाएगा। तो हाँ, छोटा सा जो है प्राइस इंक्रीमेंट हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि इसमें प्राइस जो है हल्का फुल्का बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि फीचर्स जो कि ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस भी आपको थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। उसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप एक पीछे की इमेज भी देख सकते हो, तो इसमें आपको पूरी की पूरी गाड़ी का जो है समझ आ गया होगा कि जो भी सनरूफ है अपनी वो बड़ी सनरूफ नहीं दी गई है। अगर बड़ी दी जाती तो शायद से और अच्छी तरीके से मार्केट में ये गाड़ी कैप्चर कर पाती, बट ठीक है, फिर भी अभी ये चीज़ है कि जो जो मेन चीज़ें थी वो इस गाड़ी में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अभी 60-40 सीट्स आपको दिखने लग रही होंगी। बाकी बात करी जाए, यही सेम फीचर्स जो हैं हमें अब महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों में भी एक्सपेक्टेड हैं, जैसे हमारी थार 5-door आने वाली है, उसमें भी शायद से आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के जो फीचर्स हैं वो शायद से देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अगर और कुछ मेरे को जानकारी मिलती है तो मैं 100% आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बाकी देखिए आज की वीडियो में तो इतना ही था, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट 2024 की वीडियो है वो समझ आई हो एंड वो पसंद आई हो। बाकी मिलते रहेंगे आपसे ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। और कैसी लगी वीडियो मुझे लिख के बताएगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके भाई अर्षभ के लिए लेके आया था। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2024 की वीडियो। अब देखिए इसमें जो है वेंटिलेटेड सीट्स आ चुकी है, इंजन जो है थोड़ा और वो रिफाइन कर दिया गया है, इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक डिमिंग जो अपना पीछे वाले मिरर हैं वो कर दिए गए हैं, नए अलॉय व्हील्स आएंगे आपको जो टॉप एंड मॉडल मिलेगा, और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि एक और जो नया मॉडल है वो भी लॉन्च करा जाए। एंड गाइस इसी के साथ साथ जैसे आप लोगों ने देखा था XUV700 में एक सेलेक्ट वर्जन लॉन्च किया था, तो इसमें भी हो सकता है शायद से सेलेक्ट करके जो है कुछ नया वर्जन जो है कंपनी लॉन्च कर दे। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह ऐसी थी जो इसमें मिसिंग थी, एंड सफारी वगैरह जो उन सब में आने लग रही थी, तो कंपनी को ये चीज़ तो समझ आएगी थी कि यार मार्केट में अगर रहना है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, अपडेट्स लाने पड़ेंगे। एनीवेज गाइस वापस मैं बोल रहा हूँ, carindianews.com पे जाके आप सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं हमारे। हम वहाँ पे जो है लेटेस्ट न्यूज़ लगा लो कि दिन में 20-25 जो है गाड़ियों के बारे में वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, एनीवेज आज को देखते हैं, उम्मीद करते हो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, मिलते रहेंगे।